लोकसभा चुनाव के दो चरणों में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। ऐसे में इसे बढ़ाने और लोगों को वोट के लिए घरों से बाहर निकालने को लेकर चुनाव आयोग ने एक पहल शुरू की है, जिसके तहत अधिकारी वोटिंग के दिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हर दो घंटे में एक लकी ड्रॉ निकालेंगे। योजना के अनुसार वोट डालने वाले मतदाताओं को हीरे की अंगूठियां, फ्रिज, टेलीविजन और अन्य उपहार जीतने का मौका मिल सकता है। भोपाल में तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है और राज्य में इस बार बहुत कम मतदान हुआ और पहले दो राउंड में औसतन 8.5% से ज्यादा की गिरावट आई है। वैसे तो भोपालवासी कभी भी बहुत उत्साही मतदाता नहीं रहे हैं, लेकिन 2019 में जहां अन्य जगहों पर मतदान में बढ़ोतरी हुई थी, तब भोपाल में मतदान केवल 65.7% तक पहुंचा था। चुनाव अधिकारियों को उम्मीद है इनाम पाने की चाहत में इस बार मतदाताओं को घरों से बाहर निकालेंगे। इनमें से प्रत्येक ड्रॉ में एक विजेता को पुरस्कार दिया जाएगा। फिर चुनाव के 1 या 2 दिन बाद वो एक मेगा ड्रॉ निकालेंगे, जिसमें विजेताओं को बड़े इनाम दिए जाएंगे और इस कदम का मकसद मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करना है। बता दें, भोपाल संसदीय क्षेत्र में 2097 पोलिंग बूथ हैं और अगर बंपर इनाम को छोड़ दिया जाए तो 6000 से ज्यादा लोग पुरस्कार जीतेंगे। कलेक्टर कैशलेन विक्रम सिंह ने कहा, वे CSR के तहत ये इनाम और पुरस्कार इकट्ठा कर रहे हैं। वोटिंग वाले दिन प्रत्येक मतदान केंद्र पर लॉटरी के लिए 1 BLO और 1 स्वयंसेवक तैनात किया जाएगा। हर बूथ पर 1 कूपन बुकलेट होगा। दोनों यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदाता अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखें और उंगली पर स्याही लगने के बाद कूपन कलेक्ट करें। वे मतदाताओं से संपर्क करेंगे और प्रत्येक ड्रॉ के बाद उन्हें उपहार देंगे।